चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी की खीर। तो लौकी की खीर बनाने के लिए मैंने आधा किलो लौकी लिया और ये एकदम कच्ची लौकी है, ये देखिए। वैसे मैंने धो भी लिया है, तो लौकी को हम पहले छील लेते हैं। तो लौकी को हम इस तरीके से छील लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने लौकी को छील लिया है। तो पहले हम इसका ये डंठल काटेंगे इस तरीके से ऊपर से, और ये बिल्कुल कच्ची लौकी है, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इसके डंठल काट दिए हैं। तो इसको मैं तीन हिस्सों में काटूंगी लौकी को। तो ये देखिए, मैंने इसको तीन हिस्सों में काट लिया है और बीज इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिना बीज वाली कच्ची लौकी है। अगर इसमें बीज होते तो हम बीजों को निकाल लेते हैं। तो चलिए लौकी को हम कस लेते हैं। तो ये मैंने कद्दूकस लिया है और इसे मैंने परात में रख लिया है, और इस तरीके से हमें लौकी को कद्दूकस करना है इस तरीके से। तो ये देखिए, मैंने लौकी को कस लिया है। तो ये देखिए, मैंने सारी लौकी को कस लिया है। ये देखिए, और ये इसमें लौकी में पानी होता है, क्योंकि ये कच्ची लौकी है तो ये इसमें पानी होता है। तो मैं इसे निचोड़ूंगी इस तरीके से। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निकालना है इस तरीके से निचोड़ के। तो ये देखिए कितना पानी निकल रहा है, ये एकदम कच्ची लौकी थी। तो ये देखिए, लौकी को मैं इस तरीके से निचोड़ देती हूँ सारी को। तो ये देखिए, मैंने सारी लौकी को निचोड़ लिया है, और देखो कितना सारा पानी निकला है इसमें। तो इधर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई मेरी हल्की सी गर्म हो गई है। तो इसमें मैंने एक चम्मच डाला है देसी घी। घी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। ये देखिए, घी मेरा गर्म हो गया है। तो अब इसमें डालूंगी मैं ये लौकी। ये देखिए, मैंने लौकी को कढ़ाई में डाल दिया है। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लौकी को हमें इस तरीके से 1-2 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए इसी तरीके से भूनना है कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होता है वो जल जाए। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो सब जल गया है, ये देखिए। तो लौकी का सारा पानी जल चुका है, और अब इसमें डालूंगी मैं दूध। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है। मैंने आधा किलो लौकी ली थी और 1 लीटर दूध लिया है। ये मैंने सारा दूध कढ़ाई में डाल दिया है, और जब तक दूध में अच्छे से उबाल नहीं आता, जब तक हमको ये दूध इसी तरीके से चलाना होगा। इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आने लगा है हल्का हल्का। ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। तो हमें इसे इसी तरीके से उबालना है अच्छे से दूध को। दूध भी इससे हमारा गाढ़ा हो जाएगा और लौकी भी हमारी पक जाएगी। तो ये देखिए, लौकी मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से पक रही है, और ये देखिए दूध भी गाढ़ा हो गया है साइडों से। देखो कितना कम हो गया है दूध कढ़ाई में। और ये देखिए, अच्छे से मेरी लौकी में अच्छे से उबाल आ रहा है खीर में।
लौकी खीर को थोड़ा सा और चला लेती हूँ मैं। ये देखिए साइडों से कितना दूध कम हो चुका है। तो अब इसमें मैंने एक कटोरी डाली है चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटी कटोरी चीनी ली थी और चीनी को मैंने डाल दिया, और इसे भी हम अच्छे से चला के मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए मेरी कितनी मज़ेदार सी लौकी की खीर बन रही है। और ये देखिए लौकी दूध भी गाढ़ा हो गया है। तो इधर मैंने, इधर खीर बन रही है तो इधर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच देसी घी। इसको पहले हम हल्का सा गरम कर लेते हैं। ये देखिए घी गरम हो गया है, तो इसमें डाले मैंने एक छोटी कटोरी मक्खन। और ये थोड़े से लिए मैंने बादाम। बादाम को मैंने 2 पीसेस में काट लिया था। और थोड़े से लिए ये कद्दू के बीज। और ये थोड़ी सी लिए मैंने किशमिश। और इन सबको मुझे हल्का सा भूनना है, यानी कि फ्राई करना है। चम्मच से इस तरीके से चलाते हुए हम इन्हें फ्राई करेंगे ड्राई फ्रूट को। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट भी मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इधर ये देखिए मेरी खीर भी बन चुकी है। ये देखिए, ये देखिए कितना दूध कम हो चुका है। और इधर मेरी खीर एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी बन चुकी है। और ऊपर से डाल दिए मैंने ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आपको जो भी पसंद है, काजू, चिरौंजी, जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये थे तो मैंने यही डाले हैं। ये देखिए एकदम मेरी रबड़ी जैसी खीर लौकी की बन के हो गई है तैयार। ये देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी, और लौकी का कलर भी आ रहा है। और ये देखिए कितनी यम्मी यम्मी सी लग रही है देखने में। ये इतनी टेस्टी खीर लगती है खाने में, जितनी ये देखने में उतनी ही खाने में होती है। तो ये देखिए मेरी खीर बन के हो गई तैयार। तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए खीर को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल देते हैं हम। तो ये देखिए लौकी की खीर मेरी बन के हो गई है तैयार। तो आप भी बनाइए एक बार नवरात्रों में ये लौकी वाली खीर व्रत में खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और बहुत ही ये ताकतवर होती है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से लौकी की खीर बनाइए और आप खाइए। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।